नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल पाटिल आप सभी का दी ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत के प्रमुख गेंदबाज जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है वे रवि कुमार, उन्होंने 7 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट्स हासिल कर लिए थे। इसमें कि उन्होंने 1 ओवर मेडन भी डाला था और इसी के वजह से भारत बांग्लादेश को 111 रन पर रोकने में कामयाब रह गई। भारत के मूल स्पिनर जो कि विकी ओसवाल है, उन्होंने भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए और इसी की वजह से भारत एक अच्छे टोटल पर बांग्लादेश को रोकने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से महरूब और जमान ने अच्छी और बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए 50 रन की पारी खेली और इसी के साथ बांग्लादेश अपना स्कोर 111 रन तक लेकर जा सका। भारत की ओर से ओपनिंग बैट्समैन अंगक्रिश रघुवंशी ने 44 रन की पारी खेली, जबकि भारत के कप्तान यश धूल ने 22 रन की पारी खेलते हुए भारत को नॉट आउट रहते हुए भारत को जीत दिलाने में अपनी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें 2020 के जो कि लास्ट ईयर में भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था, उसमें बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था और इसी के वजह से कुछ बातचीत चलते हुए इस बार को भारत को जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसी के वजह से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी रणनीति बनाते हुए बांग्लादेश को यह मैच में हरा दिया है। आपको बता दें कि 2 फरवरी को भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलने वाला है और वह मुकाबला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल होने वाला है। इसमें जीत भारत को बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ और भी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ऑटरिंग चैनल। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।